नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट कोड 2005 के यूनिट 4 यानी कि सेंट्रोइड एंड सेंट्रल ग्रेविटी को अच्छे से समझना है। इस श्रृंखला में अभी जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ वो ये है कि किसी प्लेन फिगर में से कोई दूसरा प्लेन फिगर काट के निकाल दें तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी सीजी कहाँ होगी, इस पर संबंधित प्रश्न है जो हम पिछली वीडियो से कर रहे हैं। तो ये देखिएगा वीडियो नंबर 12 है, इसमें मैंने एक अच्छा प्रश्न लिया है, क्वेश्चन नंबर 19 पेज 142 बुक 1 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 360 mm त्रिज्या की एक वृत्ताकार प्लेट से 120 mm त्रिज्या का वृत्ताकार छिद्र कहाँ किया जाए कि बचे हुए भाग का गुरुत्व केंद्र प्लेट के केंद्र से 20 mm दूर हो जाए। देखिए ये रिवर्स क्वेश्चन है, इसमें आपको रिमेनिंग पार्ट जो है उसकी सीजी को लोकेट नहीं करना है, आपको सीजी की लोकेशन देर की है, आपको सुराग कहाँ करना है, होल कहाँ करना है वो पता करना है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन होते हैं सर्कल के है, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना बड़ा आसान होता है, और जब किसी खास करके जब किसी सर्कल में से कोई दूसरा सर्कल काटे तो बिल्कुल ईजी हो जाता है। जैसे ये देखिए आप, ये 360 mm रेडियस की एक वृत्ताकार प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, इसकी रेडियस 360 है। देखिए मैंने इसका जो सेंटर है इससे इसकी रेडियस 360 mm मैंने मार्क कर रखी है, और इसमें से एक सुराग बनाया है जिसकी रेडियस है 120 mm। ये जो सुराग बनाया ना, ये देखिए सुराग बनाया, इसकी रेडियस यानी इसके सेंटर से इसकी परिधि की दूरी, ये देखिए आपको मैंने लिख दिया यहाँ पे 120 mm। हमें ये पता करना है कि ये सुराग जो है जिसका सेंटर है G2, ये कहाँ किया जाए, इसको कहाँ पे करें, यानी ये जो मूल जो ओरिजिनल जो प्लेट है उसका जो सेंटर है उससे कितनी दूर हम इस सेंटर को रखें, ये हमें पता करना है, ताकि जो ये रिमेनिंग पार्ट है जिसको मैंने लाइनिंग कर रखा है, हैचड कर रखा है, रेखांकित कर रखा है, छायांकित कर रखा है, उसकी सीजी प्लेट के केंद्र से 20 mm दूर हो जाए। ये प्लेट का केंद्र है और ये सीजी है रिमेनिंग पार्ट की, और ये जो G1 डिस्टेंस है G1 ये कितनी हो जाए 20 mm। ऐसा देखो ये G से G1 की दूरी कितनी 20 mm आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब पहला काम तो ये करेंगे हम, ये देखते हैं कि क्या इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है, डेफिनेटली है। ये जो सेंटर है ओरिजिनल प्लेट के, ओरिजिनल प्लेट का, और ये सेंटर जो प्लेट काटी गई है उसका सर्कुलर, अगर इन दोनों को मिला लें तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं इट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके दोनों तरफ ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसी शेप है, कहीं कोई चेंज नहीं है, सिमेट्री है। और आप जानते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही सीजी होती है। अब हमने क्या किया कि जो मूल वृत्ताकार प्लेट है यानी कि ओरिजिनल सर्कुलर प्लेट, इसको सफिक्स दिया अपन, और जो काट के अलग की गई है वृत्ताकार प्लेट काटी गई जो है उसको हमने सफिक्स दिया 2। तो अगर A1 लिखते हैं तो मूल का, मूल प्लेट का एरिया हो जाएगा, A2 तो काटी गई हो जाएगी, इस प्रकार से। अब देखिए आप, ये जो ओरिजिनल प्लेट है सर्कुलर दिख रही है, इसका सेंटर ये है, ये G1 हो गया। ये जो प्लेट हमने काटी है सर्कुलर, उसका चूंकि उन्होंने काटे गए प्लेट को 2 नंबर दे रखा है, तो ये जो इसका जो सेंटर हो गया वो G2 हो गया, और G इसी लाइन पे आएगा, G1 G2 की लाइन पर आएगा। अच्छा ये इधर क्यों आएगा, इधर क्यों नहीं आएगा? तो आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि जिधर पोर्शन कटता है उधर हल्का हो जाता है, और सीजी हमेशा जिधर पोर्शन भारी होता है उधर शिफ्ट हो जाती है। तो चूंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, सीजी रहेगी तो यहीं पर, तो पहले ओरिजिनल यहाँ थी अब वो इधर आ गई। इस बात को ध्यान रखें, किसी सर्कुलर प्लेट में जिस साइड में सेंटर के सर्कल हम काटते हैं उसकी अपोजिट साइड में सीजी शिफ्ट हो जाती है,
जैसे अगर ये सर्कल में इधर नहीं काट के इधर काटता तो सीधी उधर शिफ्ट हो जाती, अगर मैं ये सर्कल यहाँ काटता सीधी ऊपर शिफ्ट हो जाती, यानी सॉरी सीधी नीचे शिफ्ट हो जाती, अगर मैं ये सर्कल यहाँ काटता इधर सीधी ऊपर शिफ्ट हो जाती, यानी जिस तरफ आप सर्कल काट के निकालेंगे जिस साइड में सेंटर से उसके अपोजिट साइड के अंदर सीधी शिफ्ट हो जाएगी। और ख़ास बात क्या कि जो सीजी है नई यानी कि रिमेनिंग पार्ट की और जो दो सीजी पहले से मौजूद है ओरिजिनल और काटे की प्लेट की, वो तीनों एक ही लाइन में होगी। ये देखिएगा आप G1 G2 और G एक ही लाइन में, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक काम खत्म हो गया, अब दूसरी बात करते हैं संदर्भ रेखा रेफरेंस लाइन। तो ये प्रश्न में देखिए जरा समझिए, वृत्ताकार छिद्र कहाँ किया जाए कि बचे हुए भाग का गुरुत्व केंद्र प्लेट के केंद्र से, देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है ना उसकी जो सीजी है उसकी केंद्र से दूरी दे दी है, तो आपको एक तरह से इनडायरेक्टली हिंट दे दिया है कि जो ये सेंटर है ओरिजिनल प्लेट का उससे जो लाइन गुजरती है वर्टिकल, इसको मानना चाहिए रेफरेंस लाइन, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, यानी कि आपको एक्स बार दे रखा है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं, हम कई बार कह चुके हैं, इधर डिस्टेंस नापते हैं उसको प्लस कहते हैं, इधर जो नापते हैं उसको माइनस कहते हैं, और ये जो G1 है इधर ये जो G है रिमेनिंग पार्ट सी जी, वो G1 के लेफ्ट में और G1 से निकलने वाली जो वर्टिकल लाइन है ये रेफरेंस लाइन है। तो ये जो G1 है ये डिस्टेंस आपको 20 mm दे रखी है, इसको -20 लिखना पड़ेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिस्टेंस तो 20 है लेकिन जब मैं वैल्यू पुट करूँगा फॉर्मूले में तो इसकी जगह लिखा जाएगा 20 जगह -20, इसको आप ध्यान रखें। बस अब कोई दिक्कत सवाल में नहीं है, फॉर्मूला ही काम आएगा, x^(a1x1-a2x2)(a1-a2) R1 रेडियस कितनी है 360 mm मेन सर्कल की, और जो काटा हुआ है उसकी कितनी 120 mm। A1 क्या हो जाएगा π r1 square, A2 π r2 square, r1 r2 वैल्यू पुट कर दी तो A1 आ गया ये 129600 πmm² A2 आ गया 144000 πmm² x10 हो जाएगा, क्योंकि जो संदर्भ रेखा है जो रेफरेंस लाइन है वो G1 से ही गुजरती है, और जिस रेखा से दूरी नापनी है अगर कोई पॉइंट उसी रेखा पर है तो उसकी डिस्टेंस 0 ही तो होगी, तो x10 हो गया। क्यों, अब देखिए फिर देखिएगा ये रेफरेंस लाइन है और रेफरेंस लाइन पर ही G1 आ रहा है, तो G1 की इस लाइन से दूरी 0 हो जाएगी। x2 हमें निकालना है, यानी जो पोर्शन हमने काटा है ना ये इसका जो सेंटर है ये G2, क्योंकि एरिया नंबर 2 का सेंटर जो होगा वो G2 कहलाता है, तो G2 जो है उसकी पोर्शन पता करनी है, यानी कि G2 जिसको हमने X2 कह रखा है, यहाँ पे देखिए X2 ये G से G2 वो हमको पता करना है, तो X2 हमको पता करना है, और जो X bar है इस फॉर्मूले में X bar वो आपको दे रखा 20 mm, लेकिन लिखेंगे माइनस, ये वेरी देखो उसको मैंने रेड से लिखेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस तरफ था। मान लीजिए आपने ये सर्कल इधर बनाया होता काटा हुआ तो CG उधर शिफ्ट होती, तो उस केस में मैं X bar को प्लस लिखता, ध्यान देना इस चीज़ को, और उस केस में फिर हम ये जो अभी जो हम लिख रहे हैं दूसरी चीज़ें वो अपोजिट हो जाती सारी, यहाँ X bar लिखा जाएगा माइनस के अंदर। ये आप खुद क्वेश्चन करके देखें तो आपको अच्छा लगेगा। अब आप देखिएगा कि सारी चीज़ें हमने रख दी a1 a2 x1 x2 x1, तो ये -20 = a1 x1 0 है, -a2 x2 निकालना है a1 - a2, -20 = -this1 × x2 / this। अभी देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस कट गए, तो 20 को लिखा मैंने 20/1 14400 × x2/11 5200, क्योंकि ये पाई से पाई कट गया। अब सॉल्व किया x2 को तो 115200 × 20, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 14400, तो एग्जैक्टली कितना आ गया 160 mm आ गया। तो क्या कहेंगे, एक और बात ध्यान रखने की है, जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा जाता है जिस टोन में, आपका आंसर का टोन भी वही होना चाहिए, यानी हम कहते हैं कि और हम मजाक जो जिस भाषा में बात करता है उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, वही बात यहाँ कह रहा हूँ मैं आपको।
इसमें साफ कहा है कि लिखा हुआ है कि प्लेट में 120 mm त्रिज्या का वृत्ताकार छिद्र कहाँ किया जाए कि बचे हुए भाग का गुरुत्व केंद्र प्लेट के केंद्र से 20 mm दूर हो जाए। तो हमने इसको लिख दिया, अतः छिद्र का केंद्र मूल प्लेट के केंद्र से 160 mm दूर रखना चाहिए। बिल्कुल उसी भाषा में जवाब दिया जिस भाषा में प्रश्न पूछा गया था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप अगर अच्छा लगे, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें, और मेरे YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई RPVS को जितना हो सके उतना आप भी सब्सक्राइब करें और औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।